हेलो बच्चों, आज अपन लेंस का इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं और सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपन कॉन्वेक्स लेंस से और रियल ऑब्जेक्ट्स अपन सबसे पहले लेंगे। तो हम जो भी इमेज फॉर्मेशन करते हैं किसी भी लेंस या मिरर के लिए, रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं? माइनस इन्फिनिटी से रख कर। तो सबसे पहले ये है माइनस इन्फिनिटी और ये है प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो लेट सपोज ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे है तो जो रेज आएंगी वो ऐसे आएंगी, ठीक है, इस तरीके से। और क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो कन्वर्ज होके कहाँ मिलेंगी? फोकस पे, ठीक है। तो यू कितना हो गया इसमें अपना? यू हो गया माइनस इन्फिनिटी, वी हो गया प्लस एफ, मैग्निफिकेशन होता है वी बाय यू, तो ये हो गया जीरो। और नेचर की बात करें तो आप ये देख सकते हो कि जो इमेज बनी है, ये जो पॉइंट है, ये रियल इमेज है, ठीक है। रियल इमेज है क्योंकि जो रेज हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद असली में यहाँ पर मिल रही हैं, है ना, मिलती हुई अपीयर नहीं हो रही हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, तो ये होगी रियल इमेज। रियल इमेज और पॉइंट इमेज, तो बेटा इसमें ये स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती कि ये इमेज जो है ये डिमिनिश्ड है कि ये मैग्निफाइड है या इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, क्योंकि ये पॉइंट है, ठीक है। अब अपन आते हैं दूसरे सिचुएशन पे जिसमें जो ऑब्जेक्ट है अब वो आगे आया और ऑब्जेक्ट आगे आके जो है वो आगे है। अब एक पॉइंट अपन इसमें मार्क कर लेते हैं, एक पॉइंट बीच में आता है, लेट सपोज सी है ना, इस पॉइंट का नाम है सी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है बेटा, सी इसका नाम है। और जो सी है ये 2f दूरी पे है लेंस के पोल से, मान लो 2f। तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर है कहीं पे, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट ये है तो अपन इसको थोड़ा एक्सटेंडेड बनाए अगर, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है। तो जो इमेज बनेगी इसकी वो कैसी बनेगी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये इसकी इमेज बनी बेटा। तो तुम देख सकते हो कि ये दोनों रेज इंटरसेक्ट कहां पे हो रही है, यहां पे, इस पॉइंट पे। तो अपन ने इसको नाम दे दिया ए डैश बी डैश, दिस इज द इमेज। तो सबसे पहले दो बातें हैं, अब आपको याद होना चाहिए कि इसका लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता था, और लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब है कि इमेज और ऑब्जेक्ट विल मूव इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या है कि आपको ये भी पता होना चाहिए दो बातें कि अगर ऑब्जेक्ट लेंस के आगे, कॉन्वेक्स लेंस के आगे 2f दूरी पे है तो इमेज कॉन्वेक्स लेंस के पीछे 2f दूरी पे होती है। तो ये दो बातें, कौन सी दो? एक तो ऑब्जेक्ट लेंस के आगे अगर 2f दूरी पे है तो इमेज लेंस के पीछे 2f दूरी पे होती है, और दूसरी बात कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज हैं वो लेंस के लिए सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो सोचो जब ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे थी, है ना। फोकस कौन सा? ये फोकस,
ये वाला ठीक है। और अब ऑब्जेक्ट जो है वो आगे आया तो इमेज आगे जाएगी। और ये भी हमको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट 2f दूरी पे होगा लेंस के आगे तो इमेज भी 2f दूरी पे होगी लेंस के पीछे, है ना। तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट जो है वो यू अगर ऑब्जेक्ट अगर सी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में, सी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में, तो इमेज होगा एफ और सी डैश के बीच में कहीं पे, एफ और सी डैश के बीच में कहीं पे इमेज होगी। तो यू का मैग्नीट्यूड अगर 2f से बड़ा है, इसको अगर मैं लिखता हूँ तो इफ यू इज ग्रेटर देन 2f बट लेस देन इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी से छोटा और 2f से बड़ा, तो v जो है मैग्नीट्यूड ऑफ v इज ग्रेटर देन f बट इट इज लेस देन 2f। मैग्नीट्यूड ऑफ v इज ग्रेटर देन f बट इट इज लेस देन 2f। जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, अब उसकी बातें करते हैं, तो पहले उसका साइन बताओ। तो u नेगेटिव है और v पॉजिटिव है, u नेगेटिव है और v पॉजिटिव है, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो होगा वो होता है प्लस v बाय यू। तो प्लस v बाय यू के हिसाब से u नेगेटिव v पॉजिटिव, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होगा नेगेटिव। और इसका जो साइन होता है ना कि ये प्लस है कि माइनस, ये आपको बताता है कि जो इमेज है वो उल्टी ओरिएंटेड है कि सीधी ओरिएंटेड है, यानी इन्वर्ट है कि इरेक्ट है। यानी ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है कि ऊपर है, ये डिपेंड करता है कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का साइन क्या है। जैसा यहाँ पर देख सकते हो आप कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो अगर अपन एक वो लगाएं, गैस लगाएं कि वन से बड़ा कि वन से छोटा कि वन होगा, तो आप देख सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड वन से छोटा होगा क्योंकि यू 2f से बड़ा है और v 2f से छोटा है, तो v यू से छोटा है। तो अगर v यू से छोटा है तो mt का मैग्नीट्यूड विल बी लेस देन वन, ठीक है। मैग्निफिकेशन mt विल बी लेस देन वन। अब आते हैं कि नेचर क्या होगा। तो नेचर सबसे पहले कि जो रेज लेंस के पीछे जा रही हैं वो असली में मिल रही हैं कि मिलती हुई अपीयर हो रही है, मिल रही है, तो ये रियल इमेज हो गई, रियल इमेज, क्लियर है। और इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, तो ये इन्वर्टेड है, दिख रहा है आपको, एम्प्टी नेगेटिव है। और ये मैग्निफाइड है कि डिमिनिश्ड है। अब मैग्निफाइड है कि डिमिनिश्ड है, यानी ये ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है कि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी है, तो आप ये देख सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है क्योंकि एम्प्टी का मैग्नीट्यूड वन से छोटा है, तो इसको हम बोल देंगे डिमिनिश्ड, ठीक है, इट इज डिमिनिश्ड। ओके नाउ अब आगे आते हैं। अब ऑब्जेक्ट जो है वो आ गया है, तो ऑब्जेक्ट अब चल के आ गया है सी पे, यानी 2f पे, तो इमेज भी कहाँ आ जाएगी, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे आ गया अब, ये आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो जो इमेज आ जाएगी वो भी 2f पे ही होती है, ये आप दे जानते हो, और रे डायग्राम ऐसा बनेगा।
ये बन गया रे डायग्राम। ये ऑब्जेक्ट है ए बी और ये इमेज है ए डैश बी डैश, ठीक है। और इमेज भी कितनी दूर है, इमेज भी दूर है 2f यहाँ से, 2f दूरी पे। तो इफ u इज इक्वल टू, अगर u जो है वो माइनस 2f है, माइनस तो हो गई ना लेंस के आगे, तो v होगा प्लस 2f, ठीक है। एम टी होगा v बाय यू, है ना, प्लस v बाय यू। तो प्लस v बाय यू से आप निकालोगे तो एम टी माइनस वन, यानी इमेज होगी रियल और इन्वर्टेड और सेम साइज। सेम साइज क्यों, सेम साइज इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज का लेंथ सेम होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड वन है, ठीक है। अब आते हैं अपन अगले इमेज फॉर्मेशन पे, कि अब जो है ऑब्जेक्ट आ गया है, तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो अगर दोनों अभी एक लेंस के आगे 2f पे था और एक लेंस के पीछे 2f पे था, तो अब अगर आ गया है ऑब्जेक्ट, है ना, यहाँ आ गया फोकस और C के बीच में, है ना, तो जो इमेज होगी अब वो इमेज कहाँ बनेगी वो बताता हूँ मैं आपको। कि सबसे पहले ये फोकस बना लेते हैं अपन, आगे वाला फोकस, और ये हो गया आपका C आगे वाला C डैश, ठीक है। तो अब अगर ऑब्जेक्ट C से आगे आ गया तो इमेज C डैश से आगे जाएगी, सेम डायरेक्शन में चलते हैं। तो रे डायग्राम बनाने के लिए फिर से वही दो रे होती हैं, एक तो पैरेलल जाके फोकस से जा रही है, दिख रहा है आपको, और एक जा रही है प्रिंसिपल ये फोकस पोल से, लेंस के पोल से। तो ये दोनों रे कहीं यहाँ पर मिल रही हैं, तो ये बन गया आपका इमेज, ठीक है। तो दिस इज द इमेज। तो आपने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आ गया तो इमेज सी डैश और प्लस इन्फिनिटी के बीच में आ गई। तो अगर अपन लिखें कि व्हेन यू इज ग्रेटर देन एफ, अब गौर से देखो आप कि मैं यू का मैग्नीट्यूड एफ से बड़ा बता रहा हूँ और टू एफ से छोटा बता रहा हूँ, सही है ना बात। तो v का मैग्नीट्यूड विल बी ग्रेटर देन 2f बट लेस देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से छोटा 2f से बड़ा। mt, mt का जो साइन होगा वो देखते हैं प्लस या माइनस। तो आप देख लो v पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, और mt होता है प्लस v बाई यू, तो mt का साइन होगा नेगेटिव और mt का मैग्नीट्यूड होगा वन से बड़ा। वन से बड़ा क्यों, क्योंकि v 2f से बड़ा है, u 2f से छोटा है, तो v u से बड़ा है। तो अगर अपन कमेंट लिखेंगे तो ये होगी रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज और जो है मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। अब अगर अपन आ गए हैं तो अपन बोलते हैं कि आगे आते हैं अपन कि ऑब्जेक्ट जो है वो आगे आया, अब कहाँ आ गया, फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इमेज कहाँ जाएगी, अब इमेज होगी सिंपल सी बात है प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों। अब ये कैसे हुआ, प्लस माइनस इन्फिनिटी पे इमेज कैसे हुई,
ये मैं आपको इसमें बताता हूँ। तो अगर अपन ने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बनाया है तो अपन रे डायग्राम ऐसा भी बना सकते हैं कि ये एक रे ऐसे गई और फिर ये ऐसे पास हुई और जो पोल से जा रही है वो ऐसे जा रही है। तो बेटा आप देख सकते हो कि ये दोनों रे पैरेलल हैं और क्योंकि ये पैरेलल हैं तो ये कहाँ पे मिलेंगी आगे जाके, इन्फिनिटी पे। और अगर आप इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो ऐसे तो ये माइनस इन्फिनिटी पे भी मिलती हुई अपीयर हो रही है। इसका मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट जो है U माइनस F पे है, फोकस पे है ना, तो इमेज जो है वो इमेज जो होती है वो V प्लस या माइनस इन्फिनिटी पे होता है और MT जो होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन वो भी अपन इस तरीके से बोल सकते हैं कि प्लस माइनस इन्फिनिटी हो गया, विच मीन्स कि इमेज रियल भी है, जो प्लस इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है वो रियल है, इमेज वर्चुअल भी है, जो माइनस इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है वो वर्चुअल है, इमेज हाईली मैग्निफाइड है, हाईली मैग्निफाइड, क्योंकि m प्लस माइनस है और इन्फिनिटी है तो m का मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी है, तो इमेज इज हाईली मैग्निफाइड और इमेज जो है वो इरेक्ट भी है और इन्वर्टेड भी है ना, इरेक्ट और इन्वर्टेड, ठीक है जी। अब आते हैं अपन आगे, तो अगला जो इमेज फॉर्मेशन होगा इसमें तो इसमें अगले इमेज में क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन में, कि जब ऑब्जेक्ट आगे आएगा, अब ऑब्जेक्ट आ गया है फोकस और पोल के बीच में, ये आ गया, ये रहा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में। तो अब जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी वो आप देखें। तो बेटा ये याद रखना कि जब भी ऑब्जेक्ट लेंस के आगे फोकस और पोल के बीच में होता है तो इमेज जो होती है वो वर्चुअल इमेज बनती है ना। वर्चुअल कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूँ। अब अभी तक अपन बोल रहे थे कि दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो बिल्कुल सही है कि सेम चलते हैं, पर अब तुम सोचो कि पिछले प्रीवियस केस में जो है ये ऑब्जेक्ट जब फोकस पे था तो इमेज प्लस माइनस इन्फिनिटी पे थी, तो अब अगर ऑब्जेक्ट और आगे आएगा तो दो बातें हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज को एक साथ पोल पे मिलना है और इमेज जो है वो प्लस इन्फिनिटी से रिवर्स आ नहीं सकती, क्योंकि उस केस में अगर वो इमेज रिवर्स आ रही है तो उस केस के अंदर ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के अपोजिट चलते हुए दिखेंगे, विच इज़ इम्पॉसिबल इन केस ऑफ लेंस। तब होगा क्या कि जब ऑब्जेक्ट फोकस से पोल की ओर जाएगा तो इमेज माइनस इन्फिनिटी से यानी लेंस के लेफ्ट साइड से माइनस इन्फिनिटी से पोल तक आएगी, सेम डायरेक्शन में चलेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इमेज अब लेंस के आगे है, और अगर इमेज लेंस के आगे है तो इसका मतलब इमेज तो वर्चुअल हो गई है ना। इमेज अगर लेंस के आगे है तो ये इमेज हो गई वर्चुअल, तो ये बन रही है इमेज। इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, ये बन गई इमेज, दिस इज द इमेज। तो जब ऑब्जेक्ट जो होता है वो फोकस और पोल के बीच में होता है तो इमेज जो होती है वो वर्चुअल होती है, लेंस के आगे होती है, ठीक है। अब इसके अंदर यू जो है मैग्नीट्यूड में जीरो से बड़ा है और एफ से छोटा है ना, फोकल लेंथ से छोटा है, तो जो वी है वो जीरो से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है, ऑब्वियसली
जितने टाइम में ऑब्जेक्ट फोकस से पोल पे आ रहा है उतने ही टाइम में इमेज माइनस इन्फिनिटी से पोल पे आ रही है, सही है। तो एम टी का साइन बोलो पहले तो, प्लस या माइनस। तो एम टी का साइन वी भी नेगेटिव यू भी नेगेटिव, दोनों लेंस के आगे हैं, तो एम टी का साइन होगा पॉजिटिव। और जो एम टी का मैग्नीट्यूड होगा वो वन से बड़ा होगा। बेटा ये मैंने कैसे बोला, ये ऐसे बोला मैंने कि तुम सोचो खुद कि जब ऑब्जेक्ट फोकस से पोल तक जा रहा है तो इमेज माइनस इन्फिनिटी से पोल तक जा रही है, तो जितने टाइम में ऑब्जेक्ट एफ दूरी चल रहा है उतने ही टाइम में इमेज चल रही है इन्फिनिटी डिस्टेंस। तो किसी भी वक्त पे अगर आप एवरेज वेलोसिटी मेजर करोगे तो इमेज का डिस्टेंस हुआ इन्फिनिटी अपॉन दैट सेम टाइम और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हुआ एफ अपॉन दैट सेम टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी किसी भी वक्त इमेज की इन्फिनाइट टाइम्स होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब किसी भी वक्त अगर अपन लोकेट करेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है इमेज कहाँ पर है, तो सोचो ना कि ऑब्जेक्ट और इमेज पोल से जो भी दूरियों पे होंगे दोनों को वो दूरियाँ बराबर टाइम में ट्रैवल करनी है। तो ज़्यादा दूरी पे वही तो होगा जो एवरेज वेलोसिटी जिसकी ज़्यादा है, तभी तो वो सेम टाइम में ज़्यादा दूरी ट्रैवल कर पाएगा। तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी इमेज की ज़्यादा है, इसका मतलब किसी भी वक्त पे अगर आप लोकेट करोगे तो वी यू से ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इमेज बन गई वर्चुअल और इमेज हो गई इरेक्ट। इरेक्ट क्यों, क्योंकि एम पॉजिटिव है, और हो गई मैग्नीफाइड। ठीक है, तो ये बच्चों ये था इमेज फॉर्मेशन। और इसमें लास्ट में ये होता है कि जब ऑब्जेक्ट पोल पे आ जाता है तो पोल पे आ जाने से इमेज भी पोल पे आ जाती है। अब पोल पे यू भी जीरो वी भी जीरो। तो बच्चों से जब मैं पूछता हूँ कि पोल पे मैग्निफिकेशन कितना होता है तो वो बोलते हैं कि नॉट डिफाइंड, है ना। नॉट डिफाइंड कैसे, कि जीरो बाय जीरो नॉट डिफाइंड होता है। सही है वो तुम्हारी बात, पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है वो वी बाय यू होता है, है ना। पर मैग्निफिकेशन होता क्या है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोल पे ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट सेम होती है, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है, इसीलिए मैग्निफिकेशन डिफाइंड होता है और वन होता है। बट इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय दैट फॉर्मूला वी बाय यू। ठीक है, तो ये था बेटा आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। थैंक यू।